वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज गुनीश। आज की इस फन विद मैथमेटिक्स की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक व्हाट्सएप का मैसेज है जो पिछले काफ़ी दिनों से व्हाट्सएप पर वायरल होता जा रहा है। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि श्रीमद्भगवद गीता के कुल श्लोक 117 हैं, इसमें से आप अपना जन्म वर्ष घटाएं तो आपको अपनी आयु का पता चलेगा। उसी के साथ एक एग्जाम्पल दी हुई है कि कुल श्लोक 117, जन्म वर्ष मान लो 1992 है, 92 है उसका, तो उसकी आयु इसको जब हम माइनस करते हैं तो 25 वर्ष, ठीक है। मतलब जिस भी आदमी का जन्म वर्ष 92 है तो उसकी आयु 25 वर्ष होगी। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जब वो अपनी आयु की कैलकुलेशन करेगा तो उसको पता चलेगा कि हाँ मेरी आयु 25 वर्ष है, और वो इसके लॉजिक के बारे में नहीं सोचता, वो सीधा जो धार्मिक ग्रंथ है मद्भगवद गीता उसी के बारे में सोचने लग जाता है कि शायद ये कोई चमत्कार है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका लॉजिक क्या है इसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात तो ये है कि श्री मद्भगवद गीता के जो कुल श्लोक हैं वो 117 नहीं है, वो 700 है, ठीक है। उसके टोटल जो श्लोक हैं वो 700 है। दूसरी बात ये है कि मान लो इसी के अकॉर्डिंग गीता के कुल श्लोक 117 रहेंगे, वो तो इसके अकॉर्डिंग 117 ही रहेंगे, और आपका जन्म वर्ष ये भी चेंज नहीं होगा और ये भी चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी आयु 25 वर्ष ही रहेगी। नेक्स्ट ईयर आपकी आयु 26 होनी चाहिए, लेकिन श्लोक नहीं चेंज होंगे, जन्म वर्ष नहीं चेंज होगा, तो आपकी आयु तो 25 वर्ष होगी, तो यहाँ पे कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो फिर ये सही क्यों आ रही है? इसका रीजन ये है कि जो 117 इसने लिखा हुआ है वो 2017 जो करंट ईयर है उसके साथ मिलता जुलता है। जब हम 2017 में से अपने जन्म वर्ष 1992 को माइनस करेंगे तो हमारी करंट आयु ही आएगी ना 25 वर्ष, इसलिए ये बिल्कुल स्टिक बैठता है। नेक्स्ट ईयर जब ये वर्ष 2018 हो जाएगा, यहाँ पे 7 की जगह हम 8 लगा देंगे, तो आपकी आयु कितनी होगी? 26 वर्ष। लेकिन इस मैसेज के अकॉर्डिंग आपकी आयु कितनी रहेगी? 25 वर्ष। तो अब आपको मेरे को लगता है कि क्लियर हो गया होगा कि ये इसका लॉजिक क्या है कि आपकी आयु बिल्कुल सही आ रही है। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।